नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। ठंडी खूब अच्छी है, शीतलहरी का माहौल है, संभल के रहिए। मौसम थोड़ा सा प्रतिकूल है। परीक्षा का समय है 21 फरवरी, परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी है। यूजीसी नेट की परीक्षा अगली जून में होगी, यह भी घोषित हो चुकी है। अतः दो दो परीक्षाएं अगले 6 महीने में है, और आगामी परीक्षा जो कि मात्र 1-1.5 महीने के अंदर है, उसके लिए अच्छे से रिविजन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। अक्सर किसी न किसी टॉपिक को लेकर आपसे चर्चा करता हूँ, इसी विषय पे लेकर आज एक छोटा सा टॉपिक जो अक्सर मैंने देखा कंप्यूटर से रिलेटेड एक पॉइंट है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, उस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो थोड़ा सा इंटरप्रेटर और कंपाइलर पर चर्चा करेंगे आज, बच्चों ने कहा तो उसी बात को लेकर स्टार्ट करते हैं। इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या है? इंटरप्रेटर कंपाइलर वास्तव में देखा जाए तो जब कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ तो कंप्यूटर को बताने समझाने इंस्ट्रक्शन देने के लिए सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया गया। सॉफ्टवेयर क्या थे? प्रोग्राम से जिनके माध्यम से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाए और कंप्यूटर इन्हीं इंस्ट्रक्शन के रूप में कार्य करते हैं। कंप्यूटर के डब्बे को हार्डवेयर कहा जाएगा। कंप्यूटर के अंतर्गत जो इंस्ट्रक्शन कोड्स हैं उन्हें हम प्रोग्राम्स यानी सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम के विकास के इसी दौर में दो प्रकार की श्रेणियों के प्रोग्राम का विकास हुआ, एक इंटरप्रेटर एक कंपाइलर। अब ना इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है? कई बार इसे क्वेश्चन के रूप में यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी इस पर क्वेश्चन आ जाता है, तो आज इसी संदर्भ में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर यहाँ पर स्पष्ट हो रहा होगा, दैट इज दिख रहा होगा, मैं नीचे कर लेता हूँ कि हाँ ठीक है, परफेक्ट है। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, यानी इंटरप्रेटर में एक प्रोग्राम को एक बार में पूरी लाइन टू लाइन एक लाइन टू लाइन ट्रांसलेट किया जाता है, अनुदित किया जाता है, जबकि कंपाइलर में स्कैन्स द एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट इनटू अ होल इनटू मशीन कोड फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज। पूरे प्रोग्राम को स्कैन कर दिया जाता है और मशीन कोड हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में। इंटरप्रेटर इट टेक्स लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। सोर्स कोड का मतलब गलती पकड़ने में कम समय लेता है, बट ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज स्लोअर, लेकिन पूरे एग्जीक्यूशन के टाइम को देखा जाए तो कम हो जाता है क्योंकि स्लो हो जाता है। इट टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड, गलती को पकड़ने में ज्यादा समय लगता है, बट द ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज कंप्लीटली फास्टर, लेकिन ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो फास्ट माना जाता है। मेमोरी रिक्वायरमेंट इज मोर, मेमोरी रिक्वायरमेंट इज लेस, ज्यादा जगह की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा कम जगह की आवश्यकता कंपैरेटिवली पड़ता है। कंटिन्यूस ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम अंटिल द फर्स्ट एरर इज मेट, तब तक ट्रांसलेट करता रहता है जब तक एक एरर हमें नहीं मिल जाता। पहला एरर मिलता है तुरंत रुक जाता है, बताता है कि यहाँ पे इस लाइन पे एरर है, और फिर उसके बाद जब हम उसको सुधार कर देते हैं, फिर रन करते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ता है, लेकिन हर बार वो एरर से एनकाउंटर करता है और हमें बताता चलता है। तो हेंस डिबगिंग इज ईजी, यानी कि यहाँ पर गलती पकड़ना आसान हो जाता है। तो गलती पकड़ना तो आसान हो जाता है, लेकिन सिर्फ ये कहा जाए कि ये इजी है तो इजी तो है, लेकिन इससे समय बहुत लगता है, जबकि यहाँ पे क्या है, जनरेट्स एरर मैसेज ओनली आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम के खत्म होने के बाद ही वो इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि पूरे एक बार में रीड करेगा, देखेगा कहीं गलती, बताएगा देखो कहीं गलती है, चेक करो। और इस प्रकार से डिबगिंग यानी गलती पकड़ने में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सपोज करो 100 लाइन्स के प्रोग्राम है तो 100 लाइन में 20 गलतियां हो सकती हैं, अब वो एक बार में कह देगा कंप्यूटर की कहीं गलती है चेक करिए, तो इतना कह देने से तो मात्र हमें परेशानी रहेगी, क्योंकि हमको गलती ढूंढना पड़ेगा, और एक गलती ढूंढने के बाद फिर दूसरी गलती पर भी यही बताएगा, तो ये मुश्किल हो जाता है। एग्जांपल्स लाइक बेसिक, पाइथन, रूबी, इंटरप्रेटर्स, ये सब कुछ उस टाइम के इंटरप्रेटर टाइप ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत रखा जाएगा, इंटरप्रेटर टाइप ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया जाएगा। ऑब्वियसली इस पर कुछ समझ में आया होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा इस प्रकार से समझते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक कुछ इस प्रकार से समझिए, जैसे सपोज करिए कि मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, बेसिक पे एक प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है मान लीजिए 10 लेट ए इज इक्वल्स टू 20 लेट बी इज इक्वल्स टू 30 लेट सी इज इक्वल्स टू 2 A*B, यानी A गुणे B, 40 प्रिंट C, 50
एंड, और उसके बाद हमने रन बटन दबाया तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। नाउ ये कंप्यूटर का छोटा सा प्रोग्राम है, मे बी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑब्वियसली दिख रहा है। हाँ ठीक है, कंप्यूटर का एक छोटा सा प्रोग्राम है। अब इस छोटे से प्रोग्राम के अंतर्गत देखा जाए बेहतर दिख रहा है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में देखा जाए तो इस प्रोग्राम को बेसिक पे बनाया गया। अब अगर इंटरप्रेटर से रीड करेगा तो वो एक एक लाइन को पढ़ेगा। सपोज करिए कि हमने यहाँ पर इक्वल्स टू की जगह पे गलती से कॉमा लगा दिया है, तो वो क्या करेगा कंप्यूटर कि तुरंत जैसे ही हम एंटर बटन दबाएंगे हमें इंफॉर्मेशन देगा। अगर इंटरप्रेटर टाइप ऑफ लैंग्वेज है तो हमें तुरंत रन करने पर मैसेज देगा कि सिंटैक्स एरर, यानी गलती है, सिंटैक्स एरर इन लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 20 में गलती है। और हम तुरंत ही इस गलती को पहचानते हुए यहाँ पर इसको सही कर देंगे और इक्वल्स टू कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सही कंप्यूटर। इसके बाद क्या होगा, हमने रन किया, सपोज करो हमारी दूसरी गलती भी यहाँ थी, हमने यहाँ कॉमा लगाया हुआ था, तो तुरंत वो सिंटैक्स एरर 30 लाइन नंबर पे बोलेगा, हम 30 लाइन नंबर पे भी सुधार कर देंगे और फिर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ठीक कर देगा। तो इससे एक फायदा क्या हो रहा है, एक एक लाइन को पढ़ रहा है, एक एक लाइन को इंटरप्रेटर टाइप ऑफ लैंग्वेज में क्या हो रहा है, एक एक लाइन को पढ़ा जा रहा है और एक एक लाइन को पढ़ करके गलती बताता चल रहा है, हम उसको सुधार करते चल रहे हैं। तो वापस अगर हम स्क्रीन पे लौटे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो क्या हो रहा है कि एक एक लाइन को वो पढ़ रहा है, एक एक लाइन को पढ़ रहा है इंटरप्रेटर में, और क्या कर रहा है इस तरह से गलती पकड़ने में, इट टेक्स लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड, गलती पकड़ने में कम समय ले रहा है, ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज स्लोवर। हाँ लेकिन क्या होगा, एक बार गलती पकड़ने में तो कम टाइम लेगा, लेकिन अगर हम एक बार प्रोग्राम को ठीक कर चुके हैं और फिर कंप्यूटर उसी को प्रोग्राम को रन करेंगे तो कंप्यूटर हर बार एक एक लाइन को पढ़ेगा, और जब हर बार एक एक लाइन को पढ़ेगा जबकि लाइन सब सही है तो क्या होगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे मान लीजिए एक लाइन को पढ़ने में 2 सेकंड लगता है और कंप्यूटर 5 लाइन के प्रोग्राम को पढ़ रहा है तो 10 सेकंड के बाद आंसर देगा कि 6 हुआ। अब इस तरीके से जब प्रोग्राम मेरा ठीक है तब भी हमें समय लग रहा है, तब भी वो 10 सेकंड लगा रहा है। अगर मान लीजिए 100 लाइन की प्रोग्राम है और सारी लाइंस ठीक है, सारी लाइंस ठीक हमने बनाए हैं, तो भी वो 100 लाइन को 2-2 सेकंड में पढ़ेगा, 200 सेकंड के बाद हमें आंसर देगा। ऑब्वियसली इससे ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम स्लोवर हो जाएगा, समझे। मेमोरी टू रिक्वायरमेंट मोर, क्योंकि एक लाइन को स्टडी करेगा तो मेमोरी में ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। Continues translating the program until the first error is met. जब तक पहली गलती ना मिल जाए तब तक उसको ट्रांसलेट करेगा। इससे एक फायदा तो हो रहा है कि डिबगिंग इजी हो गया, डिबगिंग यानी गलती पकड़ना इजी हो गया। अब यहाँ पर इंटरप्रेटर समझ गए, अब कंपाइलर क्या है, इसमें कुछ कमियां थी, इंटरप्रेटर टाइप ऑफ लैंग्वेज में कमियां थी। कमियां सबसे बड़ी क्या थी कि ओवरऑल एग्जीक्यूशन में बहुत टाइम लग रहा था। अब कंप्यूटर तो स्लो हो गया, क्योंकि अगर हम इस तरीके से गणनाएं करेंगे और कंप्यूटर पे करेंगे तो कंप्यूटर से पहले तो हम खुद ही गणना कर देंगे कि 2 × 3 = 6 होता है, हम खुद ही बता देंगे और कंप्यूटर उसको 20 सेकंड के बाद बताएगा क्योंकि वो एक एक लाइन पढ़ रहा है। तो इसमें स्लो पाया जाता था एग्जीक्यूशन। अतः नए प्रकार के लैंग्वेजेस विकसित किए गए जिसमें सी या सी प्लस प्लस थे, जिसके अंतर्गत कुछ विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी, वापस चलते हैं एग्जाम्पल पे। विशेषता ये कि जब हम एक एक लाइन को पढ़ने तो टाइम लग रहा है, कंप्यूटर क्या करता था, कंपाइलर टाइप ऑफ लैंग्वेजेस में हमारे पूरे प्रोग्राम के बन जाने के बाद पूरे प्रोग्राम को एक बार में स्कैन करेगा और सीधा हमें आंसर बताएगा। अगर प्रोग्राम एकदम ठीक है तो विद इन अ सेकेंड वो आंसर लिख देगा 6, विद इन अ सेकेंड। लेकिन अगर प्रोग्राम में कमी है तो वो हमें बताएगा कि देयर इज सिंटैक्स एरर, लेकिन लाइन नंबर नहीं बताएगा, कहेगा सिंटैक्स एरर है। अब हम खुद जाएं और लाइन नंबर पे देखें कहां पे गलती है, उसको सुधार कर दें। ऐसे में क्या है, ऐसे में यह तो अच्छी बात है कि हमारा प्रोग्राम तेज रन कर गया, लेकिन एक एक लाइन में एरर को ढूंढना हमारे लिए एक चुनौती हो गई। सपोज करो हमने एक गलती पहले यहां पकड़ी, यहां कॉमा था, इसको सही कर दिया, फिर रन किया तो फिर वो लिखेगा सिंटैक्स एरर, फिर हम देखें अरे सी में भी गलती है, फिर यहां सही किया, फिर सिंटैक्स एरर लिखेगा। अगर यहां पर हमने एक गलती यहां प्रिंट में किया है 4th लाइन पे तो वही बताएगा कि यहां भी एक एरर है, वो ये नहीं बताएगा किस लाइन में गलती है। बस जब तक गलती है तब तक कहते रहेगा कि एरर है, एरर है, एरर है, और इसके वजह से क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा गलतियों को ढूंढने में। लेकिन फायदा यह है कि एक बार जब सही प्रोग्राम हमारा बन जाएगा तो ओवरऑल एग्जीक्यूशन कंपैरेटिवली फास्ट हो जाएगा इंटरप्रेटर की तुलना में।
वापस चलते हैं नोट्स पे, ध्यान से देखिए। कंपाइलर टाइप ऑफ लैंग्वेजेस में क्या हो रहा है, स्कैन्स द एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट्स होल इनटू मशीन लैंग्वेज फ्रॉम द हाई लेवल लैंग्वेज। पूरे प्रोग्राम को जो है एक बार में स्कैन कर रहा है, फोटो खींच रहा है, देख रहा है, जैसे एक नजर में देखेंगे कि भाई क्या कमी है, हाँ ये बटन ठीक नहीं है, हाँ ये टाई सही नहीं है, तुरंत सही कर लो, एक बार में स्कैन कर दिया। इट टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड, ये एक कमी है क्योंकि गलती ढूंढने में हमें बहुत समय लग जाएगा, लेकिन एक बार जब प्रोग्राम सही बन चुका है तो ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज कंपैरेटिवली फास्टर, इंटरप्रेटर की तुलना में ये तेज काम करेगा और यह बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि हम ये चाहते हैं कि गणनाएं तेज हो जाए। प्रोग्राम एक बार ठीक बन गया तो गणना तो तेज होना चाहिए, कंप्यूटर फटाफट काम करे, टाइम ना ले, बफरिंग ना करे, और मेमोरी भी रिक्वायरमेंट लेस होगी क्योंकि वो एक एक लाइन पे नहीं रुकेगा, एक साथ स्कैन करेगा तो लेस स्पेस लेगा। इट जनरेट्स द एरर मैसेज ओनली आफ्टर द स्कैनिंग ऑफ द होल प्रोग्राम, अगर गलती है तो वो कंप्यूटर की क्या करता है, एक बार में लास्ट में कह रहा है कि कमी है, और इस प्रकार डेबगिंग जो है वो हार्ड हो गई, गलती पकड़ना मुश्किल है। अब यहां पर गलती पकड़ना आसान था, यहां गलती पकड़ना मुश्किल है, यहां पर ओवरऑल एग्जीक्यूशन स्लोवर था, यहां पर ओवरऑल एग्जीक्यूशन फास्ट हो गया, और इस प्रकार से चूंकि ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि ओवरऑल एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाए, इसलिए नए युग के जो कंपाइलर लैंग्वेज थे सी सी प्लस प्लस काफी फेमस हुए और फिर इनको काफी ज्यादा आज तरजीह दी जाती है। ऑब्वियसली मैंने आपको यहाँ पर इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स के रूप में के बीच में डिफरेंस को मैंने समझाया, और जहां तक है काफी लाभदायक होगा, आपको ये बेटर लगा होगा, और आगे मैं फिर ऐसी कुछ और शॉर्ट वीडियोस देता रहूंगा जिसमें एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ मटेरियल्स आपको मिलती रहेंगी। बहुत से अन्य वीडियोस जो इससे रिलेटेड हैं आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा। फिर नए भी वीडियोस के साथ अब हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए, लग करके एक साथ डिटर्मिनेशन के साथ, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, फिर मुलाकात होगी, नमस्कार, धन्यवाद।